दोस्तों लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको मैट्रिक के कुछ विद्यार्थियों के लिए स्पेशल जो वीडियो बनाया गया है उस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मैट्रिक के छात्रों को ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों से कुछ छात्रों को प्रॉब्लम होती है तो उन्हें कैसे हम निराकरण करते हैं। आइए हम देखते हैं द्विघात समीकरण से इसकी शुरुआत की जाती है, शुरुआत की जा रही है। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यह क्लास मध्य विद्यालय अकबर नगर में निःशुल्क चलाई जाती है, आप भी इससे जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्लास की शुरुआत कैसे की जाती है द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण, द्वि द्वि मतलब दो, घात घात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पावर। घात को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पावर। हम देख लेंगे जिस पे पावर दो रहेगा उसको हम क्या कह देंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। लेकिन कंडीशन क्या है, द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे, जो चर मान रहेगा और अचर, इसको हम क्या कैसे कैसे देखते हैं, एक्स वाई इससे रिलेटेड रहेगा या ए बी से रिलेटेड रहेगा, पी क्यू आर एस ये सब रहेगा, इस पे यदि पावर दो रहेगा तब उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। कि नहीं कि दो पर पावर दो दे दिया तो इसको हम द्विघात समीकरण बोल देंगे, नहीं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव इससे निश्चित रहता है क्या, तो चार का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न हम दिखाते हैं क्या क्या ऑप्शन दे दिया, एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, एक्स क्यू प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, और इनमें से कोई नहीं। पूछा जाएगा बताइए इसमें द्विघात समीकरण कौन है, तो द्विघात समीकरण कौन है ना, तो त्रिघात वाला हो गया, इसमें दो से अधिक वाला हो गया, इसीलिए त्रिघात वाला हो गया, द्विघात समीकरण नहीं हो गया। तो हम ये है द्विघात समीकरण, तो पहला ऑब्जेक्टिव इस ढंग से पूछा जाएगा, क्या रहेगा पहला ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा कि चार को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन द्विघात समीकरण है या कौन नहीं है। ठीक है, आगे सवाल दे देगा, पहला सवाल ही था, दूसरा सवाल रहेगा कि बताइए इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, सवाल यही है। बताना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, चार ऑप्शन है, इसमें एक्स पर पावर हाईएस्ट कितना था, दो, इसमें भी था दो, इसमें कितना था, तीन, इसमें कितना था, ये नहीं हमको बताए थे सर जी, तो बताए थे कौन द्विघात समीकरण है, तो इसको हम पहला सवाल देखेंगे, इसको टिक मार देंगे, नहीं सवाल को पहले देखना है, क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तब इसको हम क्या करेंगे, टिक मारेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे सबसे पहले हम देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कैसे हम जानेंगे उसको हम देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो ज्वाइंट रहेगा उसको ए बोलेंगे, एक्स के साथ जो ज्वाइंट रहेगा उसको बी बोलेंगे, और जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। सबसे पहले इस चीज को सीखना है, मान जाएगा समीकरण दे दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, इसमें हम पूछेंगे ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा। तो ए हम किसको बोले थे, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लायर है उसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ए का मान कितना, दो। बी किसको बोले थे, एक्स के साथ जो कंबाइंड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो बी का मान कितना, सी का मान किसको बोलेंगे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसमें हम क्या क्या सीखे, किसको हम ए बोलेंगे, किसको बी बोलेंगे, किसको सी बोलेंगे। मान लिया ये सवाल है, इसमें पूछा गया बताइए आप कि ए बी सी कौन है, ए बी सी कौन है, तो हम कैसे बोलेंगे, एक ए का मान कितना बोलेंगे, बी का मान कितना बोलेंगे और सी का मान कितना बोलेंगे, ए का मान तीन। क्या हम बोले थे, ए किसको बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो ज्वाइंट रहे, एक्स स्क्वायर के साथ कितना था, माइनस तीन। बी का मान कितना हो गया और सी का मान, तो अभी तक हम क्या सीखे, ए बी सी का मान निकालना सीखे। यहां तक कोई दिक्कत, जब ए बी सी का मान निकालना हम सीख गए तो ए बी सी का मान निकालना हमको नहीं पूछेगा, लेकिन ये ए बी सी का मान सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे फायदा है उसको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा विवेचक, क्या पूछेगा, इसी को बोलता है विविक्त कर, क्या बोलता है, यह डी से इसको सूचित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, अंग्रेजी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो कैसे इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसको देखो,
ये सवाल दे दिया, बोलेगा इसका विवेचक निकालिए। क्या निकालिए? विवेचक निकालिए, नहीं तो कभी कभी सवाल दे देगा विविक्त कर निकालिए। क्या निकालिए? विविक्त कर निकालिए। तो कैसे हम निकालेंगे उसको, सबसे पहले देखो तो डी जो होता है इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है उसको देखो, बोलेगा बताइए विविक्त कर डी का जो मान होता है वो क्या होता है। चार का ऑप्शन दे देगा, बी स्क्वायर बटे फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, कि इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जब हम जानेंगे तब इस ऑप्शन को हम रंगेंगे, ठीक है। यदि हमको याद नहीं रहेगा तो हम नहीं रंग सकेंगे। तो कितना ऑब्जेक्टिव हम बताएं, सबसे पहले क्या निकालने के लिए कौन द्विघात समीकरण है पहला टॉपिक, दूसरा सवाल हम दिखाएंगे सूत्र पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा सवाल क्या पूछेगा उसको देखो, तीसरा सवाल पूछेगा इसमें जो ये सवाल है इसमें चार का ऑप्शन दे देगा, क्या कि चार का ऑप्शन दे देगा, बताइए इसका विवेचक का मान क्या होगा। यह दो अंक में भी पूछ सकता है, जब हम जानेंगे विवेचक का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। मेरे पॉकेट में पैसा रहेगा, भूख लगा है, दुकानदार को हम पैसा देंगे तब ना खाएंगे, कैसे खा ऐसे पेट भर जाएगा, नहीं ना। तो वही काम है, यदि हम केवल डी का सूत्र हम जानेंगे तो नहीं होगा। क्या करना है, जब बोला विवेचक निकालने के लिए उसका यूज करना, ही नहीं पॉकेट में पैसा रहेगा और सोचेंगे पेट भर जाएगा तो भरने वाला नहीं है। जब यहाँ विवेचक निकालने बोला है तो इसका यूज करना है यहाँ, तब होगा। तो विवेचक हम कैसे निकालेंगे, ए का मान, बी का मान और किसका मान, इसीलिए ही निकालेंगे यहाँ हमको ए बी सी का मान का जरूरी है कि नहीं है। तो ए का मान कितना, तीन। क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर के साथ जो ज्वाइंट रहेगा वो ए का मान, बी का मान क्या होगा दो, और सी का मान कितना होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बोला हमको विवेचक डी का मान निकाल लिए, तो बी स्क्वायर माइनस क्या फोर ए सी, तो बी का मान कितना माइनस फोर गुना थ्री गुना कितना हो गया, चार तीन बारह बरसते, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम क्या निकालना सिखाए, विवेचक निकालना सिखाए, कैसे हम विवेचक निकालते हैं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। तो अभी तक के ऑब्जेक्टिव में हम क्या क्या सिखाए, पहला ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कौन विवेचक का सूत्र है, अगला बताए चार को ऑप्शन दे देगा कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, उसके बाद ये क्वेश्चन दे देगा इसका विवेचक का मान निकालिए दो नंबर में ना, नहीं तो क्या करेगा, ये जो माइनस अस्सी निकला यही ऑप्शन में दे देता, बताइए कौन विवेचक होगा, अस्सी होगा माइनस अस्सी होगा कि चौरासी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जब तक हम ये बनाएंगे नहीं तो मेरा बनेगा नहीं ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। आगे हम बढ़ रहे हैं, विवेचक आया समझ में, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, या जिनको शॉर्ट स्क्रीन खींचना है वो शॉर्ट स्क्रीन भी मोबाइल में खींच सकते हैं। आगे हम दिखाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है मूलों की प्रकृति निकालने, मूलों की क्या निकालने, प्रकृति मतलब नेचर, मूलों की प्रकृति मतलब नेचर। वो आदमी बदमाश है, हम कैसे बोलेंगे, वो शरारत करता होगा, आएगा चटर पटर बदमाशी करेगा तब ना उसको बोलेंगे। तो वही चीज है, तो हम इसको सवाल में हम कैसे इसका नेचर जानेंगे, कौन बदमाश है कौन शांत है नहीं, तो हम कैसे इसका मूल का प्रकृति कैसे निकालेंगे, ये भी एक नंबर का निश्चित रहता है। तो कैसे हम जानेंगे उसको देखो, इसमें कुछ है नहीं, इसमें बोला आप डी का मान निकाल लीजिए, किसका मान निकालिए, डी का मान। यदि डी का मान जीरो निकल जाए, क्या निकल जाए, डी का मान जीरो निकल जाए, तो उसका नेचर जो होगा वो मूल समान हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा और वास्तविक हो जाए, मूल समान हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। यदि डी का मान जीरो से बड़ा आ जाए, डी से क्या आ जाए बड़ा, तो इसका भी बोलेंगे मूल वास्तविक है, मूल क्या है और क्या है असमान है, क्या है असमान है। उसके बाद डी का मान यदि जीरो से छोटा आ जाए तो इसको बोलेंगे मूल काल्पनिक है, मूल क्या है, इसको हम समझेंगे कैसे कैसे हम करते हैं उसको देखो। यदि डी का मान हम निकाले, जब तक हम डी का मान नहीं निकाले, कोई आदमी को हम बदमाश या शरारत है या शांत है कैसे बोलें, जब वो विद्यार्थी रहेगा कुछ देर रहेगा उसको हम देखेंगे हाँ बदमाशी इधर उधर तो नहीं कर रहा है, बदमाशी का मतलब क्या, आया वो पढ़ने के लिए किसी का कलम चुरा लिया तो उसको हम क्या बोलें बदमाश। तो हम इसका मूल का प्रकृति, हम इसका हम नेचर कैसे निकालेंगे, तो हम डी का मान निकाल लेंगे, यदि जीरो के बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे उसका प्रकृति कैसा है, मूल वास्तविक और क्या है समान। समान का मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रकृति निकल, इसका जो मान निकलेगा अल्फा और बीटा का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, यदि अल्फा और बीटा का मान सेम हो जाए, जब डी का मान जीरो हो जाएगा, यही होता है मूल समान, यही क्या होता है मूल समान। इसका मतलब जितना अल्फा का मान उतना
दूसरा था डी का मान यदि जीरो से बड़ा आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, डी का मान एक दो तीन चार पाँच आ जाए, यही जीरो से क्या हो गया, बड़ा आ गया, उसको बोलेंगे मूल वास्तविक है और क्या है असमान। असमान का मतलब अल्फा का मान कुछ आएगा, मान लिया पाँच आ गया, बीटा का मान दस आ गया, यही हो गया मूल क्या असमान। और डी का मान जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब यहाँ देखो अभी एक सिंपल एग्जाम्पल था, यही क्वेश्चन रहेगा, इसका बोलेगा मूलों की प्रकृति निकालिए, यही क्वेश्चन था इसका, क्या निकालिए मूलों की प्रकृति। तो हम क्या किए, पहला काम डी का मान निकाले, डी का मान कितना आया माइनस 80, तो जीरो से छोटा कि जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा। जब यहाँ लिखेंगे जब डी का मान जीरो से छोटा आ जाए तो इसको बोलेंगे ये मूल कैसा है, काल्पनिक है, कैसा है काल्पनिक ना, काल्पनिक। और वास्तविक क्या हुआ, वास्तविक मतलब हकीकत, वास्तविक मतलब हकीकत, और काल्पनिक मतलब कोई चीज का फोटो बन रहा है ना, छाया बन रहा है, मतलब डुप्लीकेट, वही क्या हो गया एक तरह काल्पनिक। तो ये माइनस में यदि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने भाषा में छाया बनने वाला बात, देख यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे सवाल यही रहेगा, 4x² + 10x + 5 = 0, इसका बोलेगा मूलों की प्रकृति निकालिए, क्या निकालिए मूलों की प्रकृति। तो क्या हम करेंगे, पहला काम ए का मान कितना 4, बी का मान कितना 10, सी का मान कितना 5। अब इसका किसका मान निकालेंगे, तो b² - 4ac, तो b का मान कितना 10² - 4 गुना ए का मान कितना 4 और गुना 5, तो कितना हो गया 100 - 4 = 16, 5 कितना निकला। जब d का मान 20 निकला तो इसका मतलब जीरो से बड़ा कि छोटा, बड़ा। तो हम लिखेंगे d का मान जीरो से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब जब बड़ा हो गया तो मूल क्या आ जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा और क्या आ जाएगा असमान। समान असमान का सिंपल फंडा, यदि जीरो आ गया समान, जीरो नहीं आया तो असमान। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। तो इस द्विघात समीकरण के स्टार्ट वीडियो में हम क्या क्या देखे, इसमें हम देखे कि चार ऑप्शन है, कैसे हम मूल का प्रकृति निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, विवेचक का सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं देख सक नहीं है, तो इससे रिलेटेड इतना सारा देखे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम द्विघात के और अगले पार्ट को हम दिखाएंगे, तब तक बने रहिए हमारे लाइफ लाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल के साथ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अन्य दोस्तों का भी करें, और जितना अधिक से अधिक दोस्त हो उनको भी इस क्लासेस की जानकारी देकर जोड़े, जिनसे उन्हें भी यह फायदा मिल सके। धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।